मेरा एक स्टूडेंट जापान गया फिल्म मेकिंग के कोर्स के लिए और उसने बताया कि मैम वहां पर टीचर्स के पास एक 3-स्टेप गुरु मंत्र है जो बिल्कुल आसानी से वो स्टूडेंट्स को नहीं देते, लेकिन एक बार वो गुरु मंत्र मिल जाए तो सक्सेस काफी आसान है। तो मेरे स्टूडेंट को वो गुरु मंत्र मिला और कैसे उसको सक्सेस मिली इसको जानने के लिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई एम श्योर आज आप ये सबके साथ शेयर करने वाले। तो हुआ क्या कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स मिलने शुरू हुए और उनको कहा गया ऐसे एक असाइनमेंट के अंदर कि आपको एक 30-सेकेंड का वीडियो बनाना है जिसकी एडिटिंग नहीं हो सकती, जिसके अंदर कोई म्यूजिक नहीं डाला जा सकता, आपको एक पूरे कॉन्सेप्ट को 30-सेकेंड के अंदर बनाना है। सुनने में काफी आसान लगा, चर्चा होने लगी कि आप किस किस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जैसे अगर हमें मॉर्निंग दिखानी है तो मैं वीडियो को कुछ इस तरह से रखवाएंगे कि हम जैसे उसके अंदर स्लिपर्स के अंदर पांव डाल रहे हैं, उठकर खड़े हुए, फेस को वॉश किया। उन्होंने कहा कट कट, आप लोगों ने बहुत ज्यादा व्लॉगिंग देख लिया यूट्यूब के ऊपर और आप बिल्कुल कॉपी कट पेस्ट कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया चाहिए। और आपके सारे असाइनमेंट आप अपने टीचर्स को सबमिट करेंगे, वो अप्रूव करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट ने भी ये काम करना स्टार्ट किया इसके ऊपर, वो अपना बड़ी खुशी से उन्होंने वीडियो बनाया, असाइनमेंट सबमिट किया। लगभग 30 से 35 दिन तक वो जितने भी असाइनमेंट सबमिट करे सारे असाइनमेंट रिजेक्ट होते चले गए और उसका मन भर गया। उसने कहा कि मेरे बस का नहीं है फिल्म मेकिंग, मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो वो अपने टीचर के पास गए और उसने कहा कि सर मुझे आपके साथ एक कन्फेशन करना है कि मेरे बस की ये बात नहीं है एंड आई कैन नॉट डू इट। टीचर ने कहा यही तो मैं सुनना चाह रहा था, तुमने फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई कर लिया है सक्सेस की ओर, अब बस तुम केवल 2 स्टेप दूर हो अपनी सक्सेस से। और वो 2 स्टेप पता है क्या है? आई विल ट्राई टू डू इट और 3rd स्टेप है आई कैन डू इट। आई एम श्योर जापानीज स्टाइल ऑफ गुरु मंत्रास आपको भी अच्छे लगे होंगे एंड वी कैन डेफिनेटली डू इट। कर देखना तो पड़ेगा ही।